क्योंकि अभी तो भाई वो पूरी कापरी है, तो दोस्तों दो भरोसे लग रहे हैं मेरे को। अब सब दुआ करो कि हमारी भूरी जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। एक ये वाला टुकड़ा लिया है और एक बड़ी पाइप ली है। फिलहाल जो है कि दोस्तों हमारी जो भूरी है उसकी बहुत बुरी हालत है, अभी आप देख सकते हो, क्योंकि भाई उसने जो है कि कल से जो खाना पीना सब बंद कर दिया है। दो बार डॉक्टर ला के इंजेक्शन वगैरह लगवाया है, लेकिन फिर भी जो है कि अभी वो खाना नहीं खा रही है। तो अभी फिर से मैंने कॉल कर दिया डॉक्टर साहब को कि जो हमारी भूरी है वो अभी जो है कि घर पे ही रखी है, हमने इंजेक्शन लगवा दो। अभी तो मुझे उसकी हालत देख के मुझे नहीं लगता है कि भाई अभी क्या होगा, सब कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी हालत भी इतनी ख़राब है। देखो आप, एकदम भयंकर वाली उसकी हालत हो रखी है। ये देखिए क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, उसको क्या हो गया पता ही नहीं। दो बार डॉक्टर ला के उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाया, फिर भी नहीं खा रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो, क्या कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो गए। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फाइनली जो है कि गाय वगैरह तो जो है कि सब चरने के लिए चली गई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अभी मैं और आपा जा रहे हैं, हमें जो है कि यहाँ पे बनाना है रास्ता। आपको सबको मैंने बताई दिया है कि ये वाली जगह जो है हमने डन की है, तो यहाँ पे बनाना है रास्ता। यहाँ पे जो है कि बड़ी बड़ी पाइप आती है, वो पाइप डाल देंगे यहाँ पे, फिर उसके ऊपर मट्टी होगी, फिर यहाँ से बनाएंगे रास्ता सीधा ओ साइड जाने के लिए। तो अभी काम स्टार्ट करना है इसका। तो अभी पहले चलते हैं, वो पाइप वगैरह जो है वो देख के आते हैं। अभी वहाँ जाने के बाद पाइप देखेंगे, छोटी लानी है या बड़ी लानी है, वो वहाँ जाके डन करेंगे। तो अभी मैं और आप फटाफट से चलते हैं, वो वाला काम जो है पहले निपटाते हैं, फिर यहाँ आने के बाद दूसरा जो काम है वो निपटाएंगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको सब चारा वगैरह कर दिया है, तो यहाँ का अभी तक का जो काम है वो पूरा हो गया है खत्म। अभी जो है कि फटाफट से निकलते हैं, चलो। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं, चलो आप। फिलहाल जो है कि अभी आ गए हम, ये वाली जो है कि पाइप लेके जाना है। ये वाला भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, ये बड़ी साइज में है, तो थोड़ा सा जो है कि छोटा है ये वाला। तो फाइनली जो है कि दो पाइप जो है वो डन कर दी है। अभी यहाँ से इनकी गाड़ी लेते हैं और चलते हैं। देखिए इसमें इसमें एक पाइप है और एक टुकड़ा उधर है। ये जो है कि 8.5 फीट की है और वो साइड जो है कि 4 फीट की है, तो 12.5 फीट की आजू बाजू पाइप होगी। थोड़ी लंबाई में रखेंगे ताकि ट्रैक्टर वगैरह अंदर लेके जाने में तकलीफ ना हो। कार्ड दो। हाँ जमला ना भाड़े से जमला ये देख सकते हो यहाँ पे सब जो है कि पानी के अंदर सब डाल दिए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, इसको निकालते कैसे होगी पता नहीं यार। इसके अंदर जो है कि इसके अंदर सब पाइप ही पाइप पड़े हुए। देखिए डन हो गया है, अभी सिर्फ जो है कि जैसे उनका खाना होता है फिर फटाफट से निकलते हैं घर पे। काम जो है आज से ही स्टार्ट हो गया है, पहले रास्ता बनाएंगे, फिर अंदर का जो काम है वो स्टार्ट कर देंगे, फिर एक शेड बना देंगे बड़ा वाला। एक ये वाला टुकड़ा लिया है और एक बड़ी पाइप ली है, क्योंकि दोनों से दोनों अगर वही ली तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। तो एक ये टुकड़ा है और एक ये पूरा 12 फुट। हाँ तो सब टोटल मिला के 12 फुट का होगा ये। 8.5 फीट, 8.5 है नहीं, 8.5। हाँ ये 8.5 फुट का है और ये 4 फुट का है, बोले तो 4 फुट से ऊपर है, 12 फुट के आजू बाजू होगा। हम तो सोच रहे थे कि ये दोनों ले ले, लेकिन आपा बोल रहे हैं कि रास्ता जो है बहुत लंबा हो जाएगा, मिट्टी भी बहुत डालनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से अभी एक काम करते हैं, एक टुकड़ा लेंगे, एक ये लेंगे, अभी जैसे भी लेके आएंगे और गाड़ी में डाल देंगे, फिर चलते हैं घर पे। मैंने जो है एक बुलेट जो है उसकी चाबी बंद नहीं की है, पापा ने देख लिया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो फिलहाल जो है कि इस वाली गाड़ी में ये पाइप डाल देते हैं, फिर फटाफट से निकलते हैं। जीसीबी इधर रेडी है। We'll be right back.
दोनों पाइप जो है वो डाल दिया है, अभी फिट करके चलते हैं। तो फाइनली जो है कि पाइप जो है वो आ गई है घर पे। अभी जो है कि इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे जो है कि हमें वहाँ पे कुछ पत्थर डालना पड़ेगा, मिट्टी डालनी पड़ेगी। रास्ता जो है कि हमें यहाँ से बनाना है, तो पाइप यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे प्लेन रास्ता बना देंगे। बो 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 तो फिलहाल जो है कि इसको एक उतार लिया है, अभी दूसरा टुकड़ा बाकी है उसको भी नीचे उतार लेते हैं फटाफट से। पता नहीं यार, अभिषेक आगे चलो। गाय भी आगे, दूध वाली आई शायद, बिना दूध की नहीं आई अभी तक। चलेगा अपनी भूरी जो है उसको बुखार है 105.5। तो मुझे लग रहा है अभी डॉक्टर साहब शायद उसको बोतल लगा रहे हैं, और उसकी हालत भाई 2-3 दिन में जो है ये इतनी खराब हो गई है भाई, देखे नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी ये तीसरे टाइम डॉक्टर आए हैं, इस बार मैंने बोला बोतल ही लगा दो। चलो अंदर, चलो अंदर, भाग जा, भाग। इसकी जात का तो रुक जा, तू रुक जा, तू रुक, भाग अंदर। अबे अंदर पूजा, अंदर जा, हट। दूध वाली गाय आ गई है, लेकिन ये भी ऑलरेडी बहुत लेट आई है, क्योंकि अभी बज रहे 5:30 बजे जो है कि डेली हम बांध देते हैं, तो इसकी वजह से वो घाई कर रहे हैं भाई, अभी तक हमें बांध क्यों नहीं रहे। डॉक्टर साहब आ गए हैं, अभी फटाफट से जो है कि उसको बोतल लगा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भूरी को कुछ ना हो, पहले वाली भूरी तो भगवान को प्यारी हो गई, ये ठीक हो जाए तो अच्छा है। फिलहाल जो है कि अपनी भूरी को चढ़ाएंगे ये बोतल, शायद एक चढ़ाएं या दो चढ़ाएं। डॉक्टर साहब को बोला जितनी चढ़ानी उतनी चढ़ाओ, लेकिन इसको ठीक करके दो पूरी, कुछ नहीं होगा तुझे पूरी। अगले वजह आ गए, दो बोतल लगाई, देखिए एक इधर है और एक इधर, दो ने तीन लगा दो, लेकिन हमारी भूरी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जानी चाहिए बस। ताव आओ ना ठीक है, ताव ताव 105.5 उसको बुखार है। अभी जो है कि भाई अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना भाई, अब फिर से हट्टे कट्टे हो रहे हैं। अभी 2-3 महीने में आप इसी बच्चों को देखना भी, सब हट्टे कट्टे एक नंबर क्वालिटी हो जाएंगे, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम था इसकी वजह से थोड़े से दुबले पड़ गए थे, लेकिन अभी देखना फुल्ली हट्टे कट्टे हो जाएंगे थोड़े दिन में। तो गाय को जो है कि 2 बोतल चढ़ा दी है और 2-3 इंजेक्शन लगा दिए हैं, और डॉक्टर साहब जो है कि और बोले 2 लगा देते हैं। मैंने बोला 2-3 लगाना लगा दे, लेकिन उसको जल्दी रिकवर करो। तो अब गाय वगैरह जो है कि सब बांध दिया है, आप देख सकते हो गाय जो है कि पूरी बांध दिया है। ये देखो एक गाय तो खुली छोड़ के चले गए हो। ए भाई एक गाय खुली है यहाँ पे। अब दोस्तों काम जो है ना इनका ऐसा ही होता है, एक गाय यहाँ पे खुली है, एक गाय वो देखो सामने आ रही, देखिए 2 गाय खुली छोड़ के चले गए घर में, क्या है बताएं। क्योंकि अभी तो भाई वो पूरी कापरी है, तो दोस्तों 2 भरोसे लग रहे हैं मेरे को। अब सब दुआ करो कि हमारी भूरी जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। बबली यहाँ सामने जो है कि भेड़ वाले जो है कि 2-3 दिन से यहीं पे मुकाम है, सुबह मैंने उनको बताई थी, तो वो बोल रहे थे कि आपकी जो बबली है वो प्रेग्नेंट नहीं है। दोस्तों बहुत बुरा झटका लगा मेरे को, क्योंकि बबली प्रेग्नेंट नहीं है तो बच्चा ही नहीं देंगी, बबली प्रेग्नेंट नहीं है यार। तो अभी एक काम करते हैं, अभी जाके उनके झुंड में छोड़ देते हैं बबली को। चलो बबली चल, अभी जो है कि इसको लेके चलते हैं उस भेड़ के झुंड में। चल गुपचुप मेरे साथ, चल चल गुपचुप, चल चल चल, बहुत परेशान कर रही हो। यहाँ पे है बोकुड़,
बाकी भाई व्यू देखो आप, अलग लेवल। यहाँ पे जो है कि सूरज भाई और हरी भाई जो दोनों जो है कि भाई कर रहे हैं ट्रैक्टर खाली। ओके फटाफट से कर दो खाली, सुबह भरने जाना है। तो करके हम अभी भरने जाना है, अब तो बाम लेना पड़ेगा। जी जो है कि अपनी बबली जो है उसको वहाँ पे छोड़ दिया है और बबली जो है उसकी ब्रीडिंग अभी हो गई है। बबली जो है कि भाई अभी प्रेग्नेंट, बबली जो है कि प्रेग्नेंट थी ही नहीं भाई, तो अभी फिर से उसकी ब्रीडिंग करवाई है। एकदम जबरदस्त वाला व्यू दिख रहा है। और फटाफट से तुम खाली कर दो, मिल्किंग छोड़ के आए हैं भाई। मिल्किंग नहीं किया ना तुमने, मिल्किंग छोड़ के आए हैं। और बारिश का मौसम भी एकदम भयंकर वाला हो रखा है, बारिश कभी भी आ सकता है। अरे सुबह 5 बजे उठना है, पहले जाके सोयाबीन का भूसा भर के आएंगे, क्योंकि सुबह आने वाला है जो है हमें रास्ता बनाना है वहाँ पे जो है कि गाड़ी आने वाली है सब वेस्ट मटेरियल लेके। वो पहले मटेरियल डाल देंगे, फिर उसके ऊपर जो है कि वो पाइप डाल के वहाँ रास्ता कल बना लेंगे। रास्ता भी बनाना है और दूसरा भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो लेके आना है। काम भाई कल तो ज़बरदस्त वाला है, हद से ज़्यादा बहुत काम है कल। तो फिर कल लगभग, कल नहीं अभी, कल से स्टार्ट हो गया ऐसे ही समझो, 1 महीना तो काम चलने वाला है। तब 1 महीना काम चलेगा तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। जैसा वहाँ पे है वैसे यहाँ पे बनाने के लिए पूरा 1 महीना लगेगा भाई। Hey! और अपनी बछड़ी देखो, ये देखो। अरे 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 इनका सही है भाई, इनको जो है कि रात को बांधना नहीं पड़ता है, चारों ओर से जो है कि ऐसी जाली लगा देते हैं, आराम से सब जो है कि बैठ जाते हैं। हाँ सिर्फ जो बकरियां हैं उनको बांधना पड़ता है। देखो बकरी जो है उनको अंदर बांध दिया है, इनको बाहर भी बांध सकते हैं, लेकिन अंदर बांधने का कारण यही है कि अगर बाहर होते हैं तो यहाँ पे जो है कि कुत्ते वगैरह बहुत घूमते हैं तो मार डालेंगे। तो इसकी वजह से, इसके अंदर होते हैं ना तो कुत्ते जो है इसके अंदर नहीं जाते हैं, तो इसकी वजह से जो बकरियां हैं उनको सबको इसके अंदर बांध दिया है। कितना क्यूट है भाई, इधर आ जा। तो फिलहाल जो है कि रात का माहौल जो है कुछ ऐसा होता है। अभी फिलहाल जो है कि बज रहे हैं 9:30 और फिलहाल जो है कि इन्होंने यहाँ पे लगाई है लाइट और यहाँ रात का माहौल देख सकते हो आप। लाइट इसकी वजह से लगाई है ताकि कुत्ते वगैरह आए तो दिखे। अपनी बबली जो है कि भाई उसको यहीं पे बांध के रखा है मैंने। बब्बू बबली तेरे को आज घर पे नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे रहने देंगे, रात भर यहीं पे रहे, सुबह छोड़ के लेके जाऊंगा। हट पोपट मामा भी आया है इधर उनकी बकरी लेके। एक दिन जो है ना भाई फुल नाइट यहीं पे रहने का, रात में जो है कि रात का व्यू दिखाने का, फुल नाइट चैलेंज वीडियो बनाना है जो कि रात भर इनके साथ रहेंगे भेड़ के पास। बहुत सारी जगह पे जो है कि लाइट नहीं होती है तो लाइट नहीं लगाती, यहाँ पे लाइट थी इसकी वजह से इन्होंने लगाई, नहीं तो फिर बिना लाइट के रहते हैं। उनके पास एक बड़ी टॉर्च है अभी कुत्तों की वजह से, नहीं तो भेड़ को लाइट से कोई दिक्कत नहीं, उनको आदत है। और देखो इस बच्चे के हाथ में जो है कि टॉर्च है, ये टॉर्च लेके देखते रहता है। अभी देखो इसे बोलते हैं मालधारी। हाँ मगे रे बुलाए तो दे दो आवाज। नहीं नहीं, अरे यार टकल, ये टकला क्यों कर दिया, ये टकला क्यों कर दिया, टकला